स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2023 का। जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है उनका भी जो आगे का प्रोसेस है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, तो आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी स्टूडेंट्स ने अपलोड कर दिए होंगे। 24 तारीख आपका लास्ट डेट था, 5 बजे तक आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते थे। तो सभी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे। तो अब आगे की क्या प्रोसेस होगी, आपको आगे क्या करना है, कब तक आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और यदि किसी स्टूडेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड आता है तो क्या उनका एडमिशन कैंसिल होगा या क्या होने वाला है, तो चलिए आज के इस वीडियो में A to Z डिटेल्स आपका यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट नहीं हुआ, तो काफी स्टूडेंट्स जो है डिस्कस कर रहे थे कि भैया हमें सीट अलॉट नहीं हुआ तो आगे क्या प्रोसेस करना होगा। तो ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि आगे जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है उसका प्रोसेस चल रहा है, जिनको सीट नहीं मिला है उनको अभी कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है सेकेंड राउंड के रिजल्ट का। यदि आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होती है तो आपको भी यही प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपको पेमेंट एंड अपग्रेड का ऑप्शन है वो करना होगा। ओके, तो ये आगे का जो प्रोसेस है वो जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो तभी आपको करना होता है। तो जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुई थी उनका भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। अब यदि ठीक है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को शेड्यूल की बात करें एक बार, जो आपका आईसीआर यूजी का आया था, ठीक है, उसके अनुसार हम यदि चले तो उसके अकॉर्डिंग आपको सभी स्टूडेंट्स को बता, सबसे पहले आपका शेड्यूल चेंज हुआ था। ओके, जो डेट्स आपका दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपका फिर चेंज हुआ। ओके, तो जिसमें जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, यदि कोई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं होता है या किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 1 दिन का समय मिलेगा। यदि उसमें भी आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद करिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सही से अपलोड हुए हैं और उसके साथ ही साथ आपका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हम डेट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट जो डेट है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपका 19 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड आप, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोडिंग स्टार्ट हुआ 20 तारीख से, 24 तारीख आपका 5 बजे तक लास्ट डेट था। ओके, अब यहाँ पे 27 तारीख तक आप सभी स्टूडेंट्स के पास जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको लोट होगा वहाँ से ईमेल आ जाएगा और आपके जो पोर्टल है, जैसे आप पोर्टल ओपन करोगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट है या सक्सेसफुली वहाँ पे आपको शो होगा, आपके पास ईमेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो 27 से पहले सभी स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया या डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आई हो तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। 28 तारीख तक आप जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 27 तक ही वेट करना पड़ेगा, यदि आपका 25 को भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको आगे का प्रोसेस 10,000 फीस पेमेंट करके अपग्रेड का ऑप्शन है वो आ जाएगा। 27 तक आपको वेट करना है, 27 तक सभी स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या आप सही से अपलोड नहीं कर पाए तो आपको 28 तारीख तक फ्री अपलोडिंग का टाइम दिया जाएगा और 28 तारीख को ही आपका कंप्लीट प्रोसेस है वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हो जाएगा। ओके, तो आई होप सबने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे। अब उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो 10,000 पेमेंट आपको करना होगा और ये पेमेंट आपको आईसीआर को करना होगा। ठीक है, ये सारा पेमेंट आपको आईसीआर को जाएगा। अब मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी की फीस है 25,000 रुपये, ठीक है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1 ईयर की आपका लगभग 51,000 फीस है, तो आपका पर सेमेस्टर 25,000 तक आपका लगने वाला है। ठीक है, तो 25,000 रुपये पर सेमेस्टर आपका फीस लगेगा तो उसमें से 10,000 आपका माइनस हो जाएगा। ओके, 10,000 जो आपका आईसीआर ने दिया है वो फर्स्ट सेमेस्टर का माइनस होकर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आपको टोटल 15,000 ही आपको पैसा देना होगा, क्योंकि आपने 10,000 ऑलरेडी आपको आईसीआर को पे किया है तो वो आपको पे नहीं करना है। तो ये नहीं सोचना है कि भैया यार हमें फिर से देना होगा क्या, नहीं, फिर से नहीं देना है। ओके, अब उसके बाद में यदि आप अपग्रेड करना है, अपग्रेड यदि आप करते हो सेकंड राउंड में, यदि आपको सीट अलॉटमेंट होती है, दूसरा कॉलेज को अलॉटमेंट होता है तो आपको आपको फिर से पैसा नहीं देना है। ठीक है, 10,000 पैसा आपका एक बार ही लगेगा जो आप 4 राउंड तक 3 राउंड तक अपग्रेड कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और उसके बाद 30 तारीख तक आपका फीस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होके 31 तारीख को आप अपग्रेड का ऑप्शन है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो जाएगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है तो आप जल्दी फीस पेमेंट करके आप अपग्रेड का ऑप्शन आपके जल्दी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस अब आगे चलने वाली है, तो आपको इंतजार करना है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो है फिर आगे की प्रोसेस होके कंप्लीट प्रोसेस का फर्स्ट राउंड का हो जाएगा। ओके, और जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हो गए, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे तो उनको फिर से अपलोड करना होगा और रीसबमिटिंग का टाइम 1 दिन का दिया जाएगा। 1 दिन में ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।